shit high. Oh, I'ma light the shit up. Yeah, I'ma make the shit high. Oh, I'ma light the shit up. तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार ये वीडियो है वो है हमारी रैंक पुश की। अब न्यू सीज़न आ गया यानी कि साइकिल वन सीज़न टू, तो इसके अंदर हम कर रहे हैं रैंक पुश एस मास्टर तक। यानी कि पहले मैंने एस मास्टर नहीं किया हुआ, वैसे मैं सीज़न 18 को ऑन कर तो हूँ, लेकिन मेरे पास जो है एस मास्टर का टाइटल नहीं है। और ये भी न्यू रैंक आए हैं एस मास्टर और एस डोमिनेटर, जिसका सबको ही पता होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर कर रहे हैं एस मास्टर, जिसका हमें टाइटल नेक्स्ट सीज़न मिल जाएगा। तो खैर मैं चाहता हूँ कि पबजी के अंदर जितने भी टाइटल मेरे से लिए जा सकते हैं वो मैं सारे टाइटल ले लूँ, ताकि भैया जी एंड में आकर जब हम अपनी प्रोग्रेस दिखाएं तो हम फैंस खड़ लें अपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और जितनी भी पठाई जा सकती हैं हम उन्हें पठा लें। समझ लेना किसे पठाना है। तो यार हम दोस्तों ने जो है वो रैंक पुश के लिए लिविक मैप को चूज़ किया। पता नहीं लिविक मैप कब तक काम करेगा, यानी कि एस तक तो यार लिविक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ए स्टार 1 2 3 पर पता नहीं ये साथ दे कभी की या फिर रैंगल का करना पड़ेगा। फिलहाल तो यार ये बहुत ज़्यादा अच्छी हमें प्लस मिल रही है लिविक के अंदर। और यार अगर तुम ये मैच देख लो ना एंड तक, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि स्क्वाड जब साथ होता है ना पूरा का पूरा, तो हर मैच चिकन डिनर तक ही पहुँचता है। तो चेक करना कि हमने कितनी ज़्यादा चिकन डिनर कर लिए अब तक। तो अब यार यहाँ पर आ जाता है मैच का एंड और हम लोग आ जाते हैं मिड स्ट्रीम में। तो यार सामने वाली टीम को जो है बहुत ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। एक बंदा मैं मार देता हूँ, मेरा एक टीममेट भी होता है, सामने वाली टीम का एक बंदा मार देता है। अब वहाँ पर जो है सिर्फ एक बंदा रह जाएगा और उसे चेक करना मारेंगे कैसे। वो पहले कर रहा होता है ग्रेनेड, मुझे आ जाएगी ग्रेनेड की आवाज़ और मैं ऊपर जाके इसे मार दूंगा। तो यार उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा रह जाता है, जिसे हम यानी कि तीन ढूंढ रहे होते हैं, बहुत बड़ा भैया जी कैंपर बैठा होता है, लेकिन हम उसे मार देंगे और ये मैच हमारा चिकन डिनर हो जाता है। इन्हें केला लबो। तो यहाँ पर हम जो है MVP आ जाते हैं 4 kills के साथ। तो अभी बाकी गेम प्ले भी यार आप लोग सब देखना, अभी और भी बहुत सारे गेम प्ले बाकी हैं। तो यार एंड तक वीडियो देखते रहना, पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर करना, सही है। और चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब किए बगैर तो जाना ही नहीं, वरना मम्मी से डांट पड़ेगी, बाप घर से निकाल देगा और फिर आप कहोगे ई क्या हो गया। देखो यार ईसा तो होता ही है जब आप बात नहीं सुनती हो। तो यार ये दूसरा गेम प्ले है। तो इस मैच में हम जो है ई स्पोर्ट में लैंड करते हैं और यहाँ पर दो बंदे और आते हैं और हमारा एक बंदा फुर कर देते हैं, लेकिन हम भी उन्हें फुर कर देंगे। तो यार ये UMP वाला ये बंदा देख रहे हो, अब यही जो है बंदा ये मेरे टीममेट को मारता है। अब हम इसके बजाएंगे, मेरा एक टीममेट जो होता है सामने वाली टीम का एक बंदा मार देता है। अब यहाँ पर बचा सिर्फ एक वो UMP वाला, अब उसे हम टपकाएंगे जे महेश मत्ती का नाम लेकर। एक नो चाबा 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 दाने वॉच आउट आही घर जहां जिथे जाने हैं जिस मत्ती हुंदी है। हां बंदा निकले बंदा निकले। तो यार उसके बाद हम जो हैं मिड स्ट्रीम में फाइल लेके जहाँ पर आगे की तरफ आ जाते हैं और ये मैच भी हमारा चिकन डिनर ही जाता है। यहाँ पर दरअसल मैं FPP ऑन कर लेता हूँ क्योंकि सिर्फ एक ही बंदा रह जाता है और वो दिख ही नहीं रहा होता कहाँ पर है, तो उसे भी यहाँ पर फटकाएंगे डायनेमो स्टाइल में या मोटर स्टाइल में जो भी समझो।
और उसके बाद अब यहाँ पर एक और मैच शुरू हो जाता है जिसमें यार मेरे टीममेट को भी नहीं होता, ये रैंडम के साथ मैं खेल रहा होता हूँ और उस मैच में ज़्यादा यानी कि खेलता भी नहीं खुल के, क्योंकि यार देखो जब आप रैंडम्स के साथ खेलते हो ना तो भाई नोक हो गए तो बस लॉबी वापस जाना पड़ना है, क्योंकि यार रैंडम्स होते हैं सपोर्ट करते नहीं है साथ टीम में रहकर, तो या फिर एंड में आकर हम अपनी प्रोनेस दिखाते हैं इन बंदों को और ये मैच भी हम फिर चिकन रन करेंगे, बस चेक करना इन्हें मारेंगे कैसे। अभी सामने का टीम का जो है मैंने एक बंदा नोक कर देता हूँ, लेकिन जब तक मैं वहाँ पर पहुँचूंगा तो वो फिर से रिवाइव हो जाएगा और हम फिर से इन दोनों को ठपा ठप मारेंगे। तो यार ये दूसरा मैच होता है जिसमें यार हम चिकन तो नहीं ले पाते, अब यहाँ पर मैच का एंड आ गया है और यहाँ पर हम किल तो करता हूँ यार, लेकिन बस अब क्या कर सकते हैं, हर मैच अब चिकन हो ही नहीं पाया तो क्या करें। यहाँ पर सामने कोई आता है जिसे मैं नॉक कर देता हूँ, अब इसे मारने के बाद जो है मेरा टीममेट जो होता है नॉक हो जाता है और अब हम यहाँ पर जाकर रख देते हैं। जब तक मैं इसे रिवाइव देता हूँ यहाँ पर अंदर भैया जी ग्रेनेड मूली पता नहीं क्या क्या फेंक देते हैं और हम उड़ जाते हैं, यू नो ना फुर फुर। तो वो मैच तो गया, अब ये दूसरा मैच है तो ये मैच हम भैया जी चिकन डिनर ही करते हैं। तो यार उसके बाद लास्ट बंदा रह जाता है टावर के ऊपर, नहीं मतलब क्या सोच रहे हैं, हम छोड़ देंगे भैया जी, हम इसे भी फोर कर देंगे, इसे बहुत शौक था जान के ऊपर चढ़ने का, हम इसे फुल टॉपर भेज देंगे जहाँ से वापस आ ही नहीं सकता। तो यार उसके बाद होता ही है कि जो टावर होता है वो ब्लू जोन से बाहर हो जाता है और ये बंदा है इससे भैया अब नीचे आ नहीं पड़ता है, लेकिन हम इसे फिर से ऊपर ही भेज देंगे क्योंकि यार इसे ऊपर जाना बहुत पसंद था। तो यार यहाँ पर मेरे एक दोस्त को सदमा लग जाता है, वो कहते हैं भैया जी आखिरी किल तो हमको करने दो, लेकिन वो भी इसके मुंह नहीं लगने देते क्योंकि यार उसका मुंह ही नहीं है कि वो किल कर पाए, तो ये मैच भी जो है हमारा चिकन डिनर हो जाता है। तो यार वो मैच तो खत्म हुआ, अब ये दूसरा मैच है, इसमें होता है ये कि हम इसे बंदा मार देते हैं, जब इसके पास जाते हैं तो ये आवाज़ निकाल रहता है कि यार मुझे छोड़ दो यार मेरा रैंक है यार मुझे छोड़ दो, फिर हम इसे छोड़ देते हैं, हम कहते हैं भैया जी अपना टीममेट बुला ले, हम तुझे नहीं मारेंगे, उसके टीममेट जो है आते ही नहीं है, उन्हें लग रहा होता है कि हम उन्हें भी मार देंगे, लेकिन फिर मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ तो चलो यार इसे छोड़ दो अकेला, इसके टीममेट खुद ही आके इसे रिवाइव कर देंगे, मगर बाद में मेरा दोस्त कहता है कि यार वो तो मर गए यानी कि उसके टीममेट उसे रिवाइव करने आते ही नहीं है, तो अब हम उसी बंदे का बदला उसी के टीममेट से लेंगे, इसे कहते हैं जस्टिस इंसा और पता नहीं क्या गया, तो यानी कि एंड में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि मुझे लग रहा था कि भैया जी हम तो अब गए, लेकिन उसी टाइम अचानक सामने लिखा आ जाता है विनर विनर धुम्बा डिन। तो इसके जो टीममेट होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, हम उन्हें मारते भी हैं, तो यार ये बंदा मुझे इतनी बार नॉक करता है कि मैं यहाँ पर जो ब्लू जोन भी आ जाता है मैं ब्लू जोन की भी परवाह नहीं करता, मैं कहता हूँ कि यार इसे मार कर ही मरूंगा। नंबर वन जल्दी, तो उसके बाद जो मैं ब्लू जोन की तरफ जा रहा होता हूँ लेकिन मैं भी नॉक हो जाता हूँ और उसके बाद मैं फुल कहता हूँ अब तो बचने का फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि यार हम लोग जो होते हैं वो जोन से बाहर होते हैं ब्लू जोन के अंदर। तो यार ये मैच चिकन डिनर हो जाता है, लेकिन जो चिकन डिनर वाला सीन था वो मैंने रिकॉर्ड किया नहीं, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग उसी टाइम बंद कर दी, मुझे लगा आप जीत ही नहीं सकते लेकिन उसी टाइम जीत जाते हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होनी, सही है, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नया सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, सही है, तो यही था मेरी आज की वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्ते खुदा हाफिज़ सत श्री अकाल सादर प्रणाम। ये भी देख लेना, ये भी हम मैच हमने चिकन डिनर किया था। Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that.